व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम उस्मान और आप देख रहे हैं यू एज उस्मान गेमर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है, इसलिए आज हम लोग कवर करने वाले टॉप 6 लो एंड पीसी गेम। तो दोस्तों ये वीडियो पूरी देखना और पूरी वॉच करके, और न्यू हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए। शुरू होने से पहले हम शॉर्ट आउट देने वाले हैं किन्जी गेमर के ऊपर। भाई किन्जी गेमर, शॉर्ट आउट टू यू। और दोस्तों आज की वीडियो में आपको भी शॉर्ट आउट चाहिए तो यार आपने कमेंट्स में कोई अच्छा सा कमेंट्स करना, जिसका अच्छा कमेंट्स हुआ उसको अगली वीडियो में शॉर्ट आउट दूंगा। एक और बात, तुम लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कोई देखता है पर सब्सक्राइब नहीं करता। दिल्ली से कराची, ये बजेगा गली के नाके पे, ये बजेगा तेरे इलाके में, ये बजता रहेगा जब पड़ेगा रेड और लोंडे डिफॉल्टर भागेंगे हम। नंबर 5 गेम की बात करते हैं, वो है बैड बॉयज 2। तो दोस्तों बैड बॉयज 2 मतलब थोड़े बहुत अच्छे ग्राफिक तो हैं इसके, तो आप इसके सिस्टम रिक्वायरमेंट अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। और ये गेम मतलब आपके पीसी, मतलब बहुत पुराना पीसी भी हो आपके पास, पोटैटो पीसी भी हो, उस पर भी ये बहुत स्मूथ चल जाएगी। मैंने भी इसको ट्राई किया है, मैंने पुराने पीसी में मैं इस गेम को खेलता था। स्टोरी टाइम की बात की जाए तो बहुत अच्छी स्टोरी टाइम है इसकी। और अगली गेम को देखते हैं प्रो, अगली गेम की बात करते हैं नंबर 4 गेम की, वो है हल्क 203। तो दोस्तों ये गेम भी बहुत अच्छी, आप इसके ग्राफिक से पता चल जाएगा ये कैसी गेम है, मतलब आपके RIP कंप्यूटर में भी ये इजीली चल जाएगी। और इस पर कोई ग्राफिक कार्ड नहीं चाहिए, सिस्टम रिक्वायरमेंट आपकी स्क्रीन में दिख रहे होंगे। तो आपको स्टोरी टाइम तो इसकी इतनी ओपी मिलेगी, और ये ओपन वर्ल्ड गेम है और आप इस पर किधर भी घूम सकते हैं, बस आप गाड़ी नहीं चला सकते। और अगली गेम है वो हमारे पास आती है स्पाइडरमैन 2। तो स्पाइडरमैन 2 बहुत अच्छी गेम है, मतलब मैंने भी इसको खेला है, आप सब ने मतलब अपने जो गेमिंग जोन होते हैं बहुत पहले उस पर तो आपने खेला ज़रूर होगा। मैंने भी इसको बहुत बार खेला है और ये गेम बहुत अच्छी है, इसकी स्टोरी टाइम, इसके विलन्स और इसके मतलब आप इसमें गाड़ी में नहीं चल सकते, ओपन वर्ल्ड गेम है ये, और आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। सिस्टम रिकॉर्ड बेट अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। और अगली लास्ट गेम आप देख के पागल हो जाओगे, हम एक सरप्राइज है आखिरी, मतलब एक सरप्राइज। अगली गेम है वो है FC2। तो यार FC2 बहुत अच्छी गेम है, आप लोग ट्राई करके ज़रूर देखना। और ये गेम मेरी तो फेवरेट है, उसके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, इसके मिले नहीं थे मेरे को। इसके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है 2GB रैम चाहिए आप लोग को, तो 4GB में भी बहुत अच्छी चल जाएगी। और भाई ग्राफिक कार्ड आपके पास कोई भी होना चाहिए, बस होना चाहिए। और इसके अंदर मतलब गेम प्ले से आप देख सकते हो कैसी ओपी गेम है ये। और इसकी स्टोरी टाइम की बात की जाए तो बहुत ओपी गेम है स्टोरी टाइम के अलावा। अगली गेम की बात करते हैं वो है टोटल गेम का कौन नहीं जानता भाई, ये बहुत मतलब बहुत लेजेंडरी गेम है मेरे हिसाब से। मेक्सिको में इसका वहाँ ही मेक्सिको में बनी है। और दोस्तों ये बहुत अच्छी गेम है, इसकी स्टोरी टाइम की बात की जाए तो बहुत ओपी स्टोरी टाइम है, ओपन वर्ल्ड गेम है, आप इसको ट्राई करके ज़रूर ट्राई करना। और ये आप लोग खेलोगे तो खेलते रहोगे ये गेम, एक दिन के अंदर ही आपको ये ख़त्म ही नहीं होगी ये गेम। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर दो यार, क्या कर रहे हो यार, और वो लाइक के बटन को भी ठोक दो, इसलिए अमेजिंग वीडियो के लिए आप लोग के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता हूँ गेम्स के लिए। और शॉर्ट आउट किसको भी चाहिए तो कमेंट बहुत अच्छा कमेंट्स करना चाहिए आपको। लास्ट गेम की बात करते हैं, मतलब वो सरप्राइज था, वो गेम है VOD। तो दोस्तों VOD ओपन वर्ल्ड गेम सर्वाइवल सीरीज गेम है, और यार ये वैसी गेम आप गेम प्ले देख रहे हो ना तो भाई ये जालिम गेम है, जो मतलब मेरे को तो अच्छी लगती है। और यार आप भी ट्राई कर सकते हैं, इसके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए 4GB रैम चाहिए, कोई भी ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड नहीं भी है, और टोटल इस गेम का स्पेस बता रहा हूँ 2GB स्पेस है। और आप बोल रहे होंगे ये मतलब आपको सर्वाइवल करना पड़ेगा जोम्बिस के बीचों में, मतलब आप जोम्बिस होंगे उस जगह में आपको सर्वाइवल करना पड़ेगा। तो वीडियो का एंड करते हैं यार, बस आज के लिए इतना ही। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए। गुड बाय गाइस। Okay, I'm turned.